बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में। तो मैंने इसमें आपको तैयारी के रणनीति के बारे में बताया था किस तरह से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि हम लोग जो है ये जीएस जो है इसमें जीए या जीएस का जो पेपर है जनरल अवेयरनेस है ना, तो उसे शुरू करेंगे। मैंने उसके बारे में आपको एक चार्ट भी बना करके दिया था कि जीए को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नहीं देखे थे मैं अभी बना दूंगा उस चार्ट को फिर से, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें मैंने ये कहा था कि हम लोग जो है ये प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे एक क्लास रखेंगे, ठीक है। तो सुबह का जो 8 बजे का क्लास होगा वो आपका सामान्य अध्ययन में जो सामाजिक विज्ञान वाला सेक्शन होगा उसका होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, समसामयिकी, ठीक है, राज व्यवस्था, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। और रात में जो 8 बजे होगा ये साइंस का होगा, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। और आज से ठीक एक सप्ते के बाद से हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी हम लोग डेली वाइज करते चलेंगे तो आसानी होगा। अभी फिलहाल 2 घंटे का क्लास होगा। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैथ्स के लिए अगर कमेंट करेंगे तो हम लोग मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल जो है ये मैं आपको जीए का सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। ये जो जनरल अवेयरनेस है ये सबका पढ़ाने का तरीका अपना अपना है, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको ये जो है ये 2 खंडों में बांट करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये जीए को मैं 2 खंड में बांट देता हूँ। पहला खंड जो होगा ये हमारा होगा सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इसमें हम लोग सोशल साइंस को पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम लोग बेसिकली देखेंगे इतिहास। कल आपका इतिहास का पहला क्लास भी होगा, ठीक है। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सब हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग साथ में शुरू करेंगे भूगोल, भूगोल के बाद राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था के बाद अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसमें इस तरह से चलेंगे। दूसरा जो हम लोगों का पार्ट होगा वो होगा सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो इसमें हम लोग सामान्य विज्ञान देखेंगे। CBT 1 के साथ साथ CBT 2 की भी 50% से ज़्यादा तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। सामान्य विज्ञान में हम लोग जनरली जीव विज्ञान से शुरू करेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान के बाद हम लोगों को देखना है भौतिकी, और भौतिकी का ही एक पार्ट हो जाता है कंप्यूटर और रसायन, ठीक है। और इन सब के साथ साथ में एक जो मेजर चीज हम लोगों का होगा, सबसे बड़ा पार्ट, ये होगा समसामयिकी, ठीक है। तो समसामयिकी में हम लोगों को देखना है, क्योंकि जो जीए का होगा इसमें 50% से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। जीए जैसे 40 नंबर का है तो लगभग 20 नंबर के प्रश्न, ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। जीए से 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो मान के चलिए इतने से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अधिकतर प्रश्न लगभग 50% क्वेश्चन यानी लगभग 20 प्रश्न जो होंगे ये करंट अफेयर से आने की संभावना है। संभावना नहीं, आते ही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपका जो होता है ये आपका पॉलिटी से भी जुड़ जाता है, इकोनॉमिक्स से भी जुड़ जाता है, इधर साइंस से भी जुड़ जाता है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स का एरिया जो होता है ये बड़ा हो जाता है। तो घबराइए नहीं, एग्जाम से पहले तक ये 40 नंबर का करंट अफेयर्स और जीए मिलाकर जो होगा वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। कल सुबह 8 बजे आपको पहला वीडियो मिल जाएगा और दूसरा वीडियो आपको मिलेगा रात को 8 बजे। इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन चलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।